बोर्ड्स एग्जाम में आपको एमसीक्यू वाले पोर्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की क्यों जरूरत है? इसका एक सिंपल सा रीजन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सेशन में आपके जो सोशल साइंस, मैथ या फिर साइंस जैसे सब्जेक्ट है, उसके अंदर सेक्शन ए जो है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और कोई दो तीन क्वेश्चन नहीं आ रहे आपके, 1 से लेकर 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स के एग्जाम में, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज के हैं। तो कितना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू को कवर करना, इसका अंदाजा आप आराम से लगा सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उन इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में कि आप एमसीक्यू में चाहकर भी गलती नहीं कर पाओगे, मास्टरी कर लोगे इस वीडियो को अगर आपने पूरा वॉच कर लिया तो। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एमसीक्यूज में मास्टरी हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत है अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू का जो पोर्शन आपसे पूछा जा रहा है 20 मार्क्स का, तो उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर अब की बार जो क्वेश्चन आएंगे वो आएगा केस बेस्ड, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले होंगे, जो हायर थिंकिंग के ऊपर ज्यादा बेस्ड होते हैं। बच्चा इसके अंदर थोड़ा ज्यादा एनालाइज करता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, असर्शन रीजन वाले। ठीक है, असर्शन कुछ और है, रीजन कुछ और है, क्या दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक बैठ रहा है या कौन सा जो पोर्शन है वो गलत है, असर्शन वाला है रीजन वाला, ये वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस बेस्ड वाले, देखो एमसीक्यू के अंदर भी मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा उसके चार ऑप्शन देखे तो चार ऑप्शन के भी डबल ऑप्शन आएंगे, और फिर उसमें से पूछा जाएगा कि कौन से वाले ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है। ये थोड़े लेंथी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग वाले होते हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वन लाइनर जो बड़े सिंपल से होते हैं, चाहे डेटा से रिलेटेड हो तो ज्यादातर ये ईयर से रिलेटेड होते हैं या कोई पर्सन से रिलेटेड। इसके अलावा फैक्ट बेस्ड वाले, जो चीजें एक्चुअल में हुई है, ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेटमेंट वाले, स्टेटमेंट में भी टू टाइप्स के आते हैं, ट्रू है या फिर नॉट ट्रू है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज है कि आपको एमसीक्यू का अच्छे से फॉर्मेट पता होना चाहिए। जब आप फॉर्मेट को अच्छे से समझोगे तो दूसरी चीज आएगी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम में बैठे हो और आप क्वेश्चन को सोल्व कर लो, तो इसके अंदर ये वाली जो टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत जने इनका यूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसके अंदर बात होती है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की। मान लीजिएगा, इफ यू आर अनश्योर अबाउट द करेक्ट आंसर एंड ट्राई टू एलिमिनेट ऑब्वियसली इनकरेक्ट चॉइसेस, यानी कि आपको नहीं पता चल रहा कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो ऐसे में आपको ये वाला मेथड यूज करना चाहिए कि आप इसके अंदर आप इनकरेक्ट जो चॉइसेस है उनको एलिमिनेट कीजिएगा, तो ऑब्वियसली जो आपका राइट आंसर है वो अपने आप निकल के आ जाएगा। जब आपका ये जो गैप है, जैसे ज्यादातर 4 ऑप्शंस होते हैं, जब वो कम हो जाता है, दिस नैरो डाउन योर ऑप्शन एंड इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेसिंग करेक्टली। तो ज्यादातर चांसेस हो जाता है कि आप तुक्के में आंसर मारो, इससे अच्छा कि जब आप एलिमिनेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप अपने राइट आंसर को अच्छे तरीके से गैस कर सकते हो, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थर्ड है लुक फॉर कीवर्ड्स। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कीवर्ड्स के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्ड्स लाइक नॉट स्टेटमेंट से रिलेटेड ज्यादा आते हैं, एक्सेप्ट वाला जैसे ऑड इवन वाला हो गया, और मोस्ट लाइकली ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैन सिग्निफिकेंटली चेंज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, बी श्योर यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स एंड देयर इंप्लीमेंटेशन। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए क्लास 10 ज्योग्राफी का एक चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कीवर्ड्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक क्वेश्चन, डैश आर द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। तो ऑप्शंस हैं डेवलप रिसोर्सेज, रिजर्व स्टॉक या फिर अबायटिक। अगर इन चारों ऑप्शन में अगर देखो, मान के चलो आप कॉमन सेंस का यूज कर रहे हो, आपको इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, तो आप किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन है वो रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो चुका है और उनकी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छे से पता चल चुकी है और उनका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये वही रिसोर्सेज होते हैं जो डेवलप्ड हो जाते हैं, यानी कि एक बार रिसोर्स बन गया और सोसाइटी में उसका यूज हो रहा है, तो इस वजह से तो हो रहा है क्योंकि उसका मेजरमेंट कर लिया गया है, उसकी क्वालिटी को चेकआउट कर लिया गया, सर्टिफाइड कर दिया गया, तो इस बेसिस पे भी पता चल जाता है कि डेवलप जो रिसोर्सेज है वो मोस्ट लाइकली यही आंसर हो सकते हैं। तो ऐसी आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके अपने आंसर पर भी अच्छे से जा सकते हो। इसके बाद फोर्थ आता है अवॉइड एक्सट्रीम चॉइसेस। देखो, बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है कि ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, none of the above,
ये जो फोर्थ ऑप्शन होता है ना, एक तरीके से एक लालच देता है कि अगर कुछ नहीं पता तो यार डी कर दो, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर आंसर ये ठीक भी हो जाता है। बट समटाइम क्या होता है कि बच्चे को आता है ना क्वेश्चन, बट फिर भी वो ज्यादा फोकस ना करके समटाइम डी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता है। बट ऐसा आपको नहीं करना। बी क्वेश्चंस ऑफ एक्सट्रीम आंसर चॉइस, व्हाइल दे मे बी करेक्ट ऑन ओकेजंस, द मोस्ट एक्यूरेट आंसर टेंड टू बी अ मॉडरेट एंड रीजनेबल। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर जरा ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑप्शन डी वाले हैं ये डेंजर होते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। फिफ्थ है कि गो विद योर गट। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जिसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं मिलता कि यार इसका तो आंसर बिल्कुल भी नहीं पता, अब क्या करें, तो कई लगाएंगे गैस ही करेंगे, है ना। तो ऐसे में रिसर्च क्या कहती है, तो रिसर्च ये कहती है आफ्टर केयरफुल कंसंट्रेशन ट्रस्ट योर इनिशियल इंस्टिंक्ट इफ यू आर अनश्योर। अगर आपको लगता है कि यार कोई आंसर है नहीं, तो स्टार्टिंग में जो आपके माइंड में आया था ना, तो आप उसके ऊपर जा सकते हो। अगर आपको लगता है किसी ऑप्शन था फर्स्ट चॉइस आपका इनिशियल स्टेज में, तो आप उसी के साथ लास्ट में, इतना ज्यादा आपने रिसर्च करी फिर भी नहीं निकला आंसर, तो आप सी के साथ जा सकते हो। रिसर्च शोज दैट योर फर्स्ट चॉइस इज ऑफन मोर एक्यूरेट देन चेंजिंग योर आंसर, तो आप इस चीज को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके अलावा है प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट। जी हाँ, देखो विदाउट प्रैक्टिस तो कोई भी चीज़ें इतनी ज़्यादा ठीक नहीं हो पाती, एक्यूरेट नहीं हो पाती। तो प्रैक्टिस से क्या होता है, थोड़ी बहुत गलतियाँ निकलती है, फिर उसके ऊपर हम सुधार करते हैं अच्छे तरीके से। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको चैनल पे ही प्लेलिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के एमसीक्यू सीरीज चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगी। चाहे आप सोशल साइंस की बात करो या फिर साइंस जैसे सब्जेक्ट की बात करो, प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट के आपको सुपर क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के मोस्ट एक्यूरेट जो एग्जाम में पूछेंगे वो आपको देखने को आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा ना मिस्टेक्स बहुत निकलते हैं कि आता आता क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे होता है ना कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, अरे यही होगा, इसका आंसर लो, लगा दो जल्दीबाजी में। तो थोड़ा आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स जो होंगी ना उससे सीखना है, हर बार गलती करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज का आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है। एंड लास्ट है कि अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इतनी सारी वीडियोस मैंने आपके लिए अपलोड कर रखी है, आप देखिएगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझसे आस्क कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड से आस्क कीजिएगा, ग्रुप स्टडी कीजिएगा वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें होती है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। क्या होता है ना, एक बार गलत थिंकिंग माइंड में बढ़ जाती है, गलत क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कहीं से, उसे क्रॉस चेक नहीं करा, फिर आगे चल के एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया, आपने वही लिख दिया, आप काफी हैप्पी हो, और बाद में पता चला यार वो तो गलत था। और खासकर एमसीक्यू की जब बात आती है उसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए क्रॉस चेक करना, अपने आप से एनालाइज करना, तो ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो आप डेफिनेटली एमसीक्यूज मास्टरी हासिल जरूर कर लोगे। ये पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई। होप सो कि आपको काफी पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।